हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। जब बारिश का हो मौसम और गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये सबको पसंद आएगी, खासकर ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इसे बहुत ही कम टाइम में झटपट बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो टेस्टी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन में एक कप सूजी ले ली है, जिसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखें। तो हमने एक कप सूजी ली है, तो इसे अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी ऐड ना करें, नहीं तो इसमें गुठली पड़ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक कप पानी हमने मिला दिया है। तो एक कप सूजी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कप पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि सूजी पानी को ज़्यादा अब्सॉर्ब करती है। आप अपने सूजी के हिसाब से पानी ऐड करें इसमें। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ी सी टाइट भी हो गई है और उसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस हम 2 से 3 मिनट तक ही गैस को ऑन रखेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सूजी का डो है वो एक साथ इकट्ठा हो रहा है, इसने पूरी तरह से पैन को छोड़ दिया है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो जो हमने सूजी का डो बनाकर तैयार किया था, इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज के बॉइल हुए आलू को हमने ग्रेट करके इसमें मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 4 से 5 कड़ी पत्ता, जिसे हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। थोड़े से धनिया पत्ता ले लेंगे। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर, तो 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान रखें, हमने पहले भी ऐड किया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करें। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे, वो है सबकी फेवरेट चीज़। तो यहाँ पे हमने ग्रेट किया हुआ 2 चम्मच चीज़ ऐड कर लेंगे, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ है तो ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस हम इसे अब मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो डो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, आलू भी बॉइल्ड है, तो इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पानी लगे तो आप थोड़ा सा ही पानी ऐड करें। तो हमारा डो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड किया है। आप यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
क्योंकि मैदा डालने से इसको कंबाइंड मिलेगा और ये ऑयल में जब हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होंगे। तो बस हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चिकना कर लेंगे। तो हमारा डो बन के तैयार है। तो इसे हमने किचन काउंटर पे निकाल दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे हमने लंबाई शेप में इसे अच्छे से राउंड कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से इसे फैला कर लंबा कर ले और इसे आप चाकू से कट कर लेंगे। अपने पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लंबा रोल शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे टिक्की शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसके सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलेंगे फ्राई करने के प्रोसेस पर। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम रोल को डालेंगे। तो एक एक करके आप जितने कढ़ाई में आ सके उतने रोल डाल दें। तो इस तरह से हमने 5 से 6 पीस एक साथ डाल दिए हैं। तो इसे तुरंत नहीं हिलाना है, थोड़े बबल्स कम होने के बाद इसे हम पलटेंगे। बबल्स कम हो गए हैं तो इसे मैं फ्रॉक से पलट रही हूँ, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है तो टूट सकते हैं, तो केयरफुली आप इसे पलटें। जब आप इसे ऑयल में डालें तो गैस का फ्लेम लो रख लें, इसके बाद गैस को मीडियम कर ले। हमें इसे मीडियम पे ही पकाना है और इसे पलटते हुए गोल्डन फ्राई होने तक इसे फ्राई करना है। तो हमारे ये जो रोल है अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमारे जो रोल है बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितने टेस्टी यम्मी लग रहे हैं, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाना। तो हमारे ये रोल फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल देते हैं प्लेट में। तो हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा बैच ऐसी ही हम ऑयल में डाल देंगे और बाकी के हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो इसी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे और इसी तरह से हम इन्हें भी गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता फ्राई होकर तैयार है। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो आप भी इसे छोटी मोटी भूख हो या फिर गेस्ट हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारे टेस्टी रोल है बनकर तैयार है और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो गर्मा गर्म टेस्टी सूजी रोल तैयार है, इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। अगर आज की मज़ेदार रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।